आस्क ऑटो गुरु इस आपके यूट्यूब चैनल पर अब तक की सबसे लंबी सीरीज कंपैरिजन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दो ऐसी बेहतरीन 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ियाँ जिसकी डिमांड हम इंडियन लोगों को बहुत ही पहले से है। और 2010 में इन दोनों का तलाक हो जाने के बाद, यानी कि हीरो और होंडा मेले में बिछड़ जाने के बाद, तरह से कंपटीशन रखी है मार्केट में, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इसी कॉम्पिटिशन को, एक दूसरे को टक्कर देने के लिए दोनों ने ही अपनी 125 सीसी की इन दोनों बेहतरीन गाड़ियों को उतारा है। पहली है हीरो द्वारा ग्लैमर FI 125 सीसी सेगमेंट में गाड़ी आती है, और जो दूसरी है शाइन, ये होंडा द्वारा आती है, शाइन SP 125, और ये अभी BS6 में आ चुकी है। तो इन दोनों के बीच में क्या है रियल लाइफ एक्सपीरियंस का कंपैरिजन? अगर आप इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को खरीदना चाहते हो और इन दोनों में ही आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, पता नहीं चल रहा है कौन सी खरीदे कौन सी ना खरीदे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। किसका इंजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, किसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, किसके व्हील्स, किसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, किसकी सीटिंग पोजिशन, सस्पेंशन, हेडलाइट, क्रैब रेल, सारी चीज़ें जितनी भी हैं, किसकी ज़्यादा अच्छी है आपके लिए, कौन सी बनी है, इन जैसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह मार्केट में ऐसे कई सारे लोग मिले जो इन दोनों ही गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं। उनसे बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं, उन्हीं पॉइंट की मैंने एक समरी बनाई है, और उसी समरी के आधार पर आज का ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है। तो जो सारी बातें होंगी वो ओनर्स के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं इन दोनों के लुक पे। तो देखो, लुक ये एक ऐसा मैटर है जो सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है मुझे किसी और गाड़ी का लुक अच्छा लगे, आपको किसी और ही गाड़ी का लुक अच्छा लगे। वैसे मेरे ओपिनियन के हिसाब से दोनों का ही लुक अपनी अपनी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा माना जाता है, और एक्चुअल में है भी। फिर भी जैसे आप यहाँ पर इमेजेस देख पा रहे हो, तो आप मुझे बताना कमेंट में कि इन दोनों में से किसका लुक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज बिल्ड क्वालिटी। सो इन दोनों में से सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी किसकी है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा मजबूत है? देखो, इन दोनों में जितना भी प्लास्टिक मटेरियल, जितना भी स्टील मटेरियल, जितना भी लोहे का मटेरियल यूज़ करा गया है, काफ़ी बेहतरीन है। कई कई जगह पे इन दोनों में ही कॉस्ट कटिंग करी हुई नज़र आती है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। बारीकी से समझे तो समझ में आता है, लेकिन जितना भी ओवरऑल मटेरियल इन दोनों ही गाड़ियों पर यूज़ करा गया है, स्टील हो या फिर आयरन हो या फिर प्लास्टिक फैब्रिक मटेरियल ही क्यों ना हो, काफ़ी बेहतरीन और हार्ड क्वालिटी का यूज़ करा गया है। अब अगर मैं पर्टिकुलर ग्लैमर की बात करूं FI वेरिएंट 125 सीसी गाड़ी की, तो इसमें जितना भी प्लास्टिक मटेरियल यूज करा गया है वो काफी ज्यादा हार्ड क्वालिटी का है, लेकिन जो कलर पेंट है वो समय के साथ साथ छूटने लग जाता है, समय के साथ साथ थोड़ा फेंट होने लग जाता है। अब अगर मैं बात करूं होंडा SP 125 सीसी की, तो इसमें जो जॉइंट्स है वो काफी लेस है, लेकिन जो भी है काफी ज्यादा मजबूत है। 4-5 साल बाद भी आपको ये खड़खड़ाहट सी महसूस नहीं होने देती, और ना ही इसके पार्ट्स कहीं ना कहीं लूज होने लग आते हैं, और ना ही कलर फेंट होने के प्रॉब्लम्स आपको इसमें आते हैं। इसी के साथ आपको अगर मैं ग्लैमर की बात करूं, तो ग्लैमर में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे हेडलाइट है और अपना ग्रैबरिल के आसपास पिलियन जहां बैठता है वहां का जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा हिलने लग जाता है। 3-4 साल बाद अगर आप कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते हो तो थोड़े से नट बोल्ट कहीं ना कहीं लूज होने लग जाते हैं बजाज की गाड़ियों की तरह, और इसमें खड़खड़ाहट सी महसूस होने लग जाती है। वैसे मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम बहुत कम ओनर्स को देखने को मिला है, लेकिन देखने को जरूर मिला है। वही चीज़ मैं SP की बात करूँ तो SP में ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आफ्टर ऑल मोरल ऑफ द पॉइंट यही है कि दोनों गाड़ियाँ बेहतरीन हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंट्स लेकर जाती है SP। साथ ही अगर मैं इन दोनों के हैंडलिंग की बात करूँ, तो हैंडलिंग के मामले में इन दोनों में फ़र्क बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग आपको ग्लैमर में मिल जाती है, बिकॉज ऑफ इसका रियर टायर अगले टायर से थोड़ा सा ब्रॉड दिया जाता है। लेकिन शाइन में, यानी कि SP में, आपको आगे और पीछे दोनों सेम साइज के टायर्स मिलते हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत हैंडलिंग के मामले में आपको ग्लैमर थोड़े ज्यादा पॉइंट लेते हुए दिखती है। साथ ही इन दोनों में अगर स्पीड की बात करो, तो 60-65 के स्पीड पे दोनों ही गाड़ियां काफी स्मूथ चलती है, बेहतरीन है, और दोनों ही 80+ 85+ आराम से चली जाती है। समय के साथ साथ 3-4 साल बाद दोनों में ही 85+ में आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशंस देखने को मिल जाते हैं। वही अगर कॉर्नरिंग की बात करूं,
तो ग्लैमर में कॉर्नरिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी आपको मिल पाती है शाइन के मुकाबले। मैंने रीज़न पहले ही बताया टायर्स का। इसके बाद अगर आप बारिश के दिनों में दोनों को ही चलाते हो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील होता है ग्लैमर पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शाइन कॉन्फिडेंस नहीं फील कराता है, लेकिन इसके मुकाबले हम कंपेरिजन कर रहे हैं सिर्फ इन दोनों में, तो थोड़े से ज़्यादा पॉइंट लेकर जाती है ग्लैमर। इसी के साथ हमने जब इन दोनों का पिकअप चेक किया, हमारी टीम ने चेक किया और जितने भी ओनर्स मार्केट में मिले उन सभी के अकॉर्डिंग इन दोनों का पिकअप 100% का ही फर्क है, अदरवाइज दोनों का ही पिकअप काफ़ी अच्छा है। सेकंड गियर में भी काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट गियर में भी काफ़ी अच्छा है, तो इन दोनों में एक 19-20 का फर्क आता है, ज़्यादा फर्क नहीं है जो कि आपका बाइंग डिसीजन ही चेंज कर दो। तो पिकअप के मामले में और स्पीड के मामले में दोनों लगभग सेम ही नज़र आती है। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं जो अपना काम बखूबी निभाते हैं, लेकिन थोड़े से ब्रॉड टायर जैसे मैंने पहले कहा तो आपको ग्लैमर में देखने को मिलता है, और आपको जो शाइन है इसमें पीछे और आगे दोनों में सेम साइज के टायर देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंजन, दोनों के दिल कैसे धड़कते हैं। तो देखो दोनों के जो इंजन हैं वो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर यानी कि थोड़े बहुत सिमिलर आप मान सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस इन दोनों का वैसा है, काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ इंजन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस हिस्ट्री, ग्लैमर का जो इंजन है वो कुछ हद तक 3-4 साल बाद थोड़ा सा आपको पावर का लैक देखने को मिल सकता है, यानी कि जो पहले मिलती थी शुरू में मिलती थी वो एंड में नहीं मिलती है, कुछ हद तक थोड़ी सी कम पावर देखने को मिल जाती है, और साथ ही आपको एक 3-4 साल बाद 80-85 के बाद आपको वाइब्रेशंस भी महसूस होने लग जाते हैं इंजन में और पूरी गाड़ी में, लेकिन वो वाली चीज आपको होंडा में काफी कम देखने को मिलती है। आप टाइम टू टाइम मेंटेन रखो, थोड़ा सा मेंटेनेंस आगे पीछे भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंटेनेंस करना जरूरी है। ऐसे में अगर 3-4 साल बाद इन दोनों के इंजन को कंपेयर करा जाए तो होंडा का इंजन काफी ज्यादा पावरफुल इंजन यहाँ पे माना जाता है और ये रिफाइन है। इसके बाद भी यानी कि 3-4 साल बाद भी आपको नॉइस बहुत कम सुनने को मिलती है। इसी के साथ इसका जो स्पीड है वो भी आपको शुरू में जितना मिलता था 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन मिलेगा जरूर 3-4 साल बाद भी, और इसमें भी आपको माइनर से वाइब्रेशन देखने को मिल जाते हैं 75-80 के बाद, कुछ हद तक 85 के बाद आपको थोड़े से वाइब्रेशन देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको 70-75 के बाद वाइब्रेशन देखने को मिले हैं। अब ये वाइब्रेशन की मैं बात करूँ तो ये निग्लिजिबल है दोनों ही गाड़ियों में, क्योंकि 125 सीसी की गाड़ी है, रास्ते हमारे इंडिया के इतने अच्छे नहीं है कि आप हमेशा सी 85-90 पे चलाओ, जब भी स्पीड बढ़ाओगे तब भी आपको वाइब्रेशन कभी कभार देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो कि अपना काम बखूबी निभाते हैं। तो सस्पेंशन के मामले में दोनों ही गाड़ियां सिमिलर नजर आती है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, और ऐसे में ये दोनों ही गाड़ियां आपको काफी अच्छे सस्टेन कराती है ओवर काबर रास्तों में, गड्ढो वाले रास्तों में भी। आप विलेज में रह रहे हो, आपका विलेज टू सिटी और सिटी टू विलेज काफी ज्यादा आना जाना होता है, या फिर आप सिटी में ही क्यों ना हो लॉन्ग राइड के दौरान भी ये दोनों ही गाड़ियां आपको अच्छे से सस्टेन करते हैं विद पिलियन, कंधों में कमर में जो पीठ में जो दर्द होता है सस्पेंशन की वजह से, वो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। इसी के साथ दोनों के लिए सीटिंग पोजीशन काफी अच्छी है, दोनों के लिए यानी कि दोनों ही गाड़ियों में, दोनों के लिए मतलब पिलियन के लिए और राइडर के लिए बेहतरीन है। थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है, बम्प सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है, बेहतरीन है। कुशनिंग भी इन दोनों में कुछ हद तक सिमिलर नजर आती है और इस वजह से आपको कंफर्टनेस का काफी अच्छा एहसास यहाँ पे होता है। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम्स देखने को मिल जाती है और ड्रम डिस्क वेरिएंट के साथ ये दोनों ही गाड़ियां अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। अब अगर ब्रेकिंग में इन दोनों की बात करूँ तो दोनों में से काफी अच्छी और ज्यादा बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम्स आपको ग्लैमर में देखने को मिलती है। यहाँ पर क्लियर कट विनर आ जाती है ग्लैमर, वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसका ब्रॉड टायर थोड़ा सा चिपक के चलता है, पकड़ के चलता है, और इसी वजह से इस गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है। इसी के मुकाबले, इसी के कंपैरिजन में शाइन का ब्रेकिंग सिस्टम भी अपने आप में एक काफ़ी अच्छी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें होता यह है कि अगर बारिश के दिनों में आपको पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन आ जाती है, यानी कि अगर आप 60-65 के स्पीड पर चल रहे हो, 70 तक आपने स्पीड क्रॉस कर दिया है, सामने कोई अचानक सा ऑब्जेक्टिव आ जाता है और वहां पे पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती
जाती है, तो ऐसे में आपको एसपी जो शाइन है वो थोड़ी सी स्कीड होती है, होने भी लग जाती है और हुई भी है कुछ लोगों की, क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग मिले उनसे ये पॉइंट सुनने को मिला है और ये चीज बहुत कम सुनने को मिली है क्लैमर के FI 125 में। तो इन दोनों में ब्रेकिंग डिपार्टमेंट के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा पॉइंट लेकर जाती है ग्लैमर FI। आगे चल के अगर मैं बात करूं इन दोनों के हेडलाइट की, तो देखो यहां पर हेडलाइट काफी अच्छा दोनों में प्रोवाइड किया जाता है, यहां पर कोई विनर नहीं है, क्योंकि डार्क नाइट में भी ये दोनों के हेडलाइट आपको काफी अच्छी विजुअल एबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। रास्ते पर बारिश भी गिरी है तो भी आपको ये काफी अच्छी जो है विजुअल एबिलिटी प्रोवाइड करती है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, फिर भी रास्ता दिखाना नहीं छोड़ते। इसी के साथ इसके माइलेज की मैं बात करूं, यानी कि इन दोनों के माइलेज की, तो यहां पर ग्लैमर FI आपको 70 प्लस का माइलेज देता है। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ग्लैमर यहां पे थोड़े ज्यादा पॉइंट्स लेकर जाती है, और वो ऐसे है कि 70 प्लस का माइलेज आपको सिटी एज वेल एज हाईवे पर दे देती है। वही शाइन SP आपको समय के साथ साथ 65-70 के बीच में माइलेज देना शुरू कर देती है और देती भी है, लेकिन 70 काफी कम लोगों को मिला हुआ है, 65 तक का माइलेज आपको इसमें आराम से मिल जाता है हाईवे एज वेल एज सिटी। वैसे मैं बता दूं कि माइलेज भी डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, कुछ लोगों को शाइन SP का माइलेज काफी अच्छा मिला हुआ है मुकाबले ग्लैमर के, लेकिन कुछ लोगों को ग्लैमर का माइलेज अच्छा मिला हुआ है मुकाबले SP के। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने उस तरह से गाड़ी को मेंटेन रखा है, उस तरह से वो राइडिंग उसकी करते हैं, तो माइलेज ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा माइलेज कैसे मिले इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हो। बात करते हैं इन दोनों के प्राइजेस की, तो देखो प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह अलग अलग होती है, फिर भी एक टेंटेटिव आंकड़ा अगर बताऊं तो ग्लैमर आपको 70,000 तक मिल जाती है। आपके नजदीकी शोरूम में कॉन्टैक्ट करके इसकी एक्चुअल प्राइस आप पूछ सकते हो। वही SP की मैं बात करूं तो शाइन SP आपको लगभग 75,000 के आसपास मिल जाती है, 3-5,000 रुपए का फर्क है इन दोनों ही गाड़ियों की प्राइस में। ये लास्ट पॉइंट अगर बात करूं रीसेल का, तो रीसेल में यहां पर क्लियर कट विनर है शाइन SP। शाइन हो या फिर शाइन SP हो या फिर होंडा की कोई भी गाड़ी उठा करके ले लो, उसकी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी मिलती है, चाहे 2-व्हीलर है चाहे 4-व्हीलर है, लेकिन वो वाली चीज यहां पर स्प्लेंडर छोड़ के हीरो में बाकी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि स्प्लेंडर एक लेजेंड गाड़ी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है और उसकी 21 सालों से जो उसने राज करके रखा है अपने सेगमेंट में, इसी वजह से उसकी डिमांड आज भी रीसेल में काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर मैं ग्लैमर की बात करूँ हीरो द्वारा ही निर्मित इस गाड़ी की, तो इसकी रीसेल वैल्यू इतनी ज़्यादा अच्छी आपको नहीं देखने को मिल सकती है। अब आइए कंक्लूजन पे आते हैं कि मोरल क्या निकल के आता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से कौन सी खरीदे, तो ये इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए, पॉजिटिव्स बताए, नेगेटिव्स बताए, इंजन परफॉर्मेंस बताया, बिल्ड क्वालिटी बताया और भी कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करके दी, तो यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी खरीदे। लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं शाइन खरीदूँ, इसका रीसेल वैल्यू ये पॉइंट मेरे लिए मायने नहीं रखता है पर्सनली, आपके लिए मुझे पता नहीं, लेकिन इसका इंजन काफ़ी बेहतरीन है, स्मूथ है। अगर आप एक रेसिंग गाड़ी ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन एक कम्यूटर सेगमेंट की बेहतरीन टिकाऊ और मजबूत गाड़ी आप ढूंढ रहे हो, जिससे कि आप 60 और 65 के ऊपर नहीं ले जाना चाहते, यानी कि उस तरह की एक लेजेंड गाड़ी, 60-65 स्पीड पर आपका अलवेज चलना होता है, उससे कम में भी चलना होता है, तो ये गाड़ी आपके लिए ठीक है, बेहतरीन है। वही अगर ग्लैमर की बात करूँ तो ये गाड़ी भी कुछ इसी तरह से परफॉर्म करती है, कुछ निगेटिव पॉइंट इसके भी है, कुछ निगेटिव पॉइंट इसके भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी दोनों के अलग अलग है, तो इस हिसाब से आप खुद इसे डिसाइड कर सकते हो इनमें से कौन सी गाड़ी खरीदे। आफ्टर ऑल एक ही माँ के बिछड़े हुए दो बेटे इन्हें कह सकते हैं, तो दोनों में खून एक ही है, फिर भी आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए, अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक गाड़ी के ओनर हो या फिर दोनों के ही क्यों ना हो, उन पॉइंट्स के अलावा जो मैंने बताए, उनके अलावा ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझसे छूट चुके हैं, इस वीडियो में मैं नहीं बता पाया, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को कई सारे लोग देखने वाले हैं, हो सकता है आपके वो पॉइंट उनके बाइंग डिसीजन के टाइम उनकी हेल्प कर दे। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और ट्विटर की लिंक दे रखी है, वहां जाकर मुझे फॉलो जरूर कर लेना, के लिए 24/7 उस पर मैं अवेलेबल होता हूं। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।